वो अक्सर मुझसे ये पूछते हैं कि मैं थ्रेडिंग खुद से कैसे कर लेती हूँ और खुद से मैं इनको इतना क्लियरली बना पाती हूँ जैसा कि आप इस वीडियो में देख पा रहे हो। तो आज मैं ये बात क्लियर करूँगी कि मैं कैसे अपनी थ्रेडिंग करती हूँ, क्योंकि बहुत से लोग ये सवाल पूछते रहते हैं। तो आज की वीडियो में मैं यही शेयर करने वाली हूँ। तो हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पर जिसका नाम है रीना बीटी। आप कहूँ कैसे हो आप सब। आज की वीडियो को चलिए शुरू करते हैं। तो आज की वीडियो में क्या नया देखने वाले हो, क्या क्या आपको इस वीडियो को देख के बेनिफिट होने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप समझ पाओगे। तो सबसे पहले घर में थ्रेडिंग करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है आप ये भी देख लो। इससे पहले मैं यहाँ पे आपको दिखाने वाली हूँ ये टेप, ये है एक सेलो टेप। इसको मैंने अपने फिंगर्स पे इस तरह से चिपका लिया है क्योंकि फिंगर्स कटे ना, तो ये थ्रेड है और ये वाला थ्रेड अच्छा होता है। और यहाँ पे ये सीजर ले लिया मैंने छोटा वाला, और ये है हमारा लूज पाउडर, और इसको ही हम सबसे पहले लगाएंगे अपने थ्रेडिंग करने से पहले। और उससे पहले हम लगा लेते हैं अपना ये हेयर बैंड, क्योंकि जिससे कि अपने जो हेयर्स हैं सामने ना आए बनाते समय। तो मेरी आईब्रोज ग्रोथ देख लो, थोड़ी सी आई है, इसको मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगी। तो थ्रेडिंग करने से पहले जो हमें थ्रेड चाहिए होता है वो हमें इतना बड़ा चाहिए कि करीब 7 या 8 इंच का ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ये हाफ साइज़ है और इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे तो ये 14 से 15 होना ही चाहिए, क्योंकि हम इसमें नॉक लगा देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा कट गया है तो कोई बात नहीं, 2-3 नॉक लगा लो तो फिक्स हो जाएगा। तो आप देख लो इजीली मेरे जहाँ तक कड़ा आ रहा था वहीं तक मैंने इसको हाफ साइज का रखा, फिर डबल फोल्ड करके इसको कट कर लिया है और अब मैंने इसमें नॉक लगा लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर ये लूज़ पाउडर ले रही हूँ और इसको मैं लगा लूँगी अपने जहाँ पर मैं थ्रेडिंग करना चाह रही हूँ वहाँ लगा लेती हूँ अच्छे से। और इसको मैं देख लीजिए थ्रेड को कैसे घुमा रही हूँ, दोनों हाथों में फिंगर्स में फंसाया और इस तरह से राउंड राउंड करते हुए घुमा ले रही हूँ करीब 6 से 7 बार। इजीली इस तरह से घुमा लेना है और ये हमारा ये सीजर्स की तरह बन जाएगा। आप देख लो दोनों हाथों से अच्छे से इजीली। तो इसका प्रॉपर वीडियो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूँगी, आप कमेंट कीजिएगा। और इस तरह से हम थ्रेडिंग बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं ऊपर से स्टार्ट कर रही हूँ, आपको जिसमें कम्फर्टेबल हो वैसे कर लो। तो देख लो कितनी ईजिली मैं खुद से थ्रेडिंग कर रही हूँ। तो जब मैं ऊपर थ्रेडिंग कर रही थी तो अपनी आईब्रोज को थोड़ा नीचे झुका लिया था, और अब मैं जब नीचे की थ्रेडिंग कर रही हूँ तो अपनी आईब्रो को ऊपर उठा लिया है, देख लो आप माथे पे, क्योंकि सरवटें पड़ रही हैं आप देख ही सकते हो। तो हमें ना अपनी खुद से टाइट स्किन करनी होगी क्योंकि कोई और तो है नहीं यहाँ पे तो टाइट करने के लिए। तो ये वीडियो पूरे एक्सपीरियंस के साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैंने इसको खुद ही एक्सपीरियंस किया है। देख लो इस तरह से हमें इजीली थ्रेडिंग कर लेना है और काफ़ी इजीली बन जाता है। तो हमें इस बात का ध्यान देना है कि हमें जल्दी जल्दी टाइट हाथों से थ्रेड चलाना होगा और जिससे कि लगे ना और स्किन खींचे ना, है ना। तो बेशक आप घर में थ्रेडिंग कर रही हैं तो इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको यही वाला थ्रेड चाहिए होगा, ग्रीन वाला। कोई और थ्रेड यूज करेंगे तो कटने का डर रहेगा। और अब जो हमारे आईब्रोज के जो हमारे सामने वाले बाल है ना बड़े बड़े, इनको हमें कट के बराबर कर लेना है। तो काट के आप शुरुआत में भी कर सकते हो या बीच में, तो जैसे आपको ठीक लगे। तो ये जो मैं थ्रेडिंग करने का तरीका आपको जो बता रही हूँ ना, ये बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है उन लोगों के लिए जो कि नहीं जा पाते हैं बार बार पार्लर। और ये बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि गाइस कभी कभी नहीं टाइम हो पाता है कि हम जा सकें, और जैसे हमें पार्टी में जाना है तो बिल्कुल भी टाइम नहीं हमारे पास, 5 मिनट का रेडी होने का टाइम है, तो उसमें भी हम ये कर सकते हैं। आप ना दिन में कर लो या फिर जब भी टाइम मिले आपको, इस तरह से थ्रेडिंग करके आप काफ़ी सारे स्ट्रेस से भी बच जाते हैं, क्योंकि पार्लर में जाना वहाँ पर फिर काफ़ी सारी भीड़ भी होती है कभी कभार, तो हर के टाइम पर तो और ज़्यादा ही होती है। और काफ़ी सारे मतलब मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो मुझे तो गाइस खुद से बनाना बहुत अच्छा लगा इस प्रकार से, और ज़्यादातर मैं खुद से हमेशा बनाती हूँ। जैसे आपकी ग्रोथ ज़्यादा हो गई है, मतलब 1-2 महीने से आपने नहीं थ्रेडिंग कराया है, तो आप पार्लर में ही बनवाना पड़ेगा, क्योंकि वो जो फिनिशिंग आएगी वो अपने खुद से नहीं कर पाएंगे आप। बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है खुद से शेप देने में। तो ये जो हमने ये शेप दे रखी है, ये मैंने एक बार में शेप दे ली थी, तो जब भी मेरे ग्रोथ हल्के से आ जाते हैं ना, मैं ऐसे ही खुद से थ्रेडिंग कर लेती हूँ। मैं मंथ में 2 बार थ्रेडिंग करती हूँ, 15 दिन में मेरे इतने थोड़े से हेयर आ जाते हैं, तो मैं इस तरह से इनको रिमूव कर लेती हूँ इजीली। तो मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ कि मुझे पार्लर जाना है या फिर ज़्यादा दिन लगाऊँ थ्रेडिंग करने में। और ये देख ली दोनों आइस का थ्रेडिंग बन गया, काफ़ी ईजिली बन गया, देख लो कितना सुंदर लग रहा है। और ये बनने के बाद ना अब हम अपर लिप को बनाएंगे। अपर लिप तो बहुत ही आसान है क्योंकि उसमें हमें कोई थ्रेड चलाते रहना है, स्किन को टाइट कर लेना है, ध्यान रखना है, नहीं तो कटने का डर रहता है ना। और यहाँ पे दर्द होता है क्योंकि बहुत तेज़ गाइस लगता है धागे से, लेकिन
अगर आप प्रैक्टिस करोगे ना घर में तो इजीली आप कर पाएंगी, क्योंकि ये जो थ्रेडिंग करने का जो तरीका घर में है ना, इसमें आपको बस ये जो थ्रेड है ये चलाना आना चाहिए। अगर ये चलाना आ गया ना तो फिर तो आप कैसे भी थ्रेडिंग हो, कैसे भी हेयर हो फेस पे ना, आप इसको इजीली रिमूव कर पाएंगी। बस थोड़ा सा टाइम देना होगा और इस तरह से इजीली रिमूव हो जाएगा। और ये देख लो आपको ये भी हमारा बन चुका है कहीं तक। तो अपर लिप बनाते समय गाइस मुझे भी दर्द हो रहा था, पर इतना ज़्यादा नहीं हो रहा था क्योंकि मुझे तो गाइस आदत हो चुकी है। ये जो थ्रेड चलाने का तरीका होता है ना, ये बहुत ही सिंपल है। आप पहले अपने पैरों के जो हेयर्स होते हैं उन पर ट्राई कर लो। तो जैसे मैंने एक कैंची टाइप का बनाया है उससे आप पहले ट्राई कर लो चला चला के, जब आपका हाथ परफेक्ट हो जाए तब आपने थ्रेडिंग पे यूज कर लो। और इस तरह से हमने गाइस 4/8 के भी बाल इसी तरह से बना लिए थे, और मैं 4/8 भी ऐसे ही बना लेती हूँ। और ये देख लीजिए कितनी बारीकी से हमारी आईब्रोज बन चुकी हैं और एक बहुत ही सुंदर लग रही है। आप देख लो कहीं से भी लग नहीं रहा है कि ये मैंने खुद से ही बनाई होंगी, लग रहा है कि मैं अभी अभी पार्लर से ही बनवा कर आई हूँ। और अब मैंने ये मॉइस्चराइजर लगा लिया है। मॉइस्चराइजर लास्ट स्टेप है गाइस, इसको लगाना बहुत ज़रूरी है। जैसे कहीं कटा पटा हो तो मतलब इसको लगा के ना वो सही हो जाता है, और जो भी दर्द वगैरह होता है वो कम हो जाता है इस तरह से मसाज देने से। तो हमें अच्छे से मसाज दे लेनी है और फेस पे इस तरह से टप टप कर लेना है। करीब 5-6 मिनट तक हमें अच्छे से मसाज देनी होगी, क्योंकि खुद से गाइस थ्रेडिंग करी है तो थोड़ा सा स्टर्ट हो जाता है, तो वो हमें दूर करना होगा। तो आप देख लो, ये देख लो, बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही इजीली तरीका है। आप इजीली घर में ये ट्राई करना ज़रूर। तो इस वीडियो को देखने से काफ़ी सारी लड़कियां बहुत खुश होने वाली हैं, क्योंकि इससे हमारी काफ़ी सारी चीज़ों की बचत हो जाएगी। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि पैसों की बहुत बचत होगी, लेकिन हाँ बहुत सारी मतलब जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं वो दूर होने वाली हैं इस वीडियो को देख के। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी गर्ल्स लेडीज़। तो जिनको शॉर्ट्स रील्स देखना पसंद है तो मेरे इन 3 अकाउंट्स पे विजिट कर सकते हैं, तीनों पे मैं रील्स डालती हूँ बहुत ही बढ़िया बढ़िया। तो क्या आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो? अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर ले। तो मैं ऐसे ही यूजफुल कॉन्टेंट आपके लिए लेकर आती हूँ। तो इस तरह की वीडियोज और देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकती हैं। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपसे कभी भी मिस ना होने पाए और सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।